मैं पानीपत श्री रामचंद्रम से जुड़ी हुई हूँ। वहाँ हमारे महाराज ने एक उसी प्रकाश बुक लिख रखी है, जिसको मैंने पता नहीं मैं 2003 से जुड़ी उस संस्था से कितनी बार पढ़ा, उसमें वो चैप्टर भी आया तो कुछ समझ नहीं आया। लेकिन इस बार जब वो रीड कर रहे थे हमारे महाराज ने भी योग को परम माना कि जब तक आपके शरीर में दुख दुख हो रहे हैं तो आपका ध्यान कैसे करेंगे। तो उन्होंने उसमें चार आसन बता रखे हैं, सर्वांग आसन, वृक्षासन और दो आसन और हैं। तो उन्होंने उसमें मोद लिए, तो इस बार हमें कौन दिया मुद्रा स्थिति, मुद्रा योग वाला, तो उसके ऊपर भी पूरा चैप्टर है। एंड वाकई ये चीजें बहुत कमाल की है, जिसको हम सोचते हैं ऐसे ही तो करना है क्या, लेकिन ये प्रभाव किताबों को पढ़ना, मैं ये सबको कहूँगी कि यहाँ से बुक्स ले जाकर उनको रीड करोगे ना तो आपको लगेगा कि इतना इनका लाभ है तो मैं इधर उधर क्यों भटक रहा हूँ। ये जितने भी हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, डॉक्टर खुल गए हैं, ये सब आपको शिकंजे में लेने के चक्कर में है, हर चीज के लिए। वो हस्बैंड वाइफ दोनों कह रहे थे, हमने बच्चे के हॉस्पिटल में दिखाया, पुराने डॉक्टर को दिखाया, अब उन्होंने स्टीरॉइड से आते हैं, कहते हैं हम ये पास लाए हैं तो अब ये ठीक है, 200 में से दवाई खा रहे हैं, बहुत अच्छी है। लेकिन जब आप किसी बीमारी या बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने की कोई जरूरत नहीं, अभी से इसके बच्चे को पकड़ लिया, जितनी देर तक जिएगा आपकी दवाई खाएगा, जो भी दवाइयां लगा देंगे इसको, तो इसलिए योग को अपनाना तो बहुत जरूरी है। आपके घर में बच्चों को बताओ नहीं, लगा कि ये तो इस उम्र में भी जवानों की तरह घूमते हैं हमारे बच्चों को, ये मैं उषा मेहता लुधियाना से, मैं भारतीय योग संस्थान से काफी देर से जुड़ी हुई हूँ। मैं बड़ी आभारी हूँ भारतीय योग संस्थान की, मेरी इतनी बेहद बीमारियां थी दो जो मैंने भारतीय योग संस्थान में आकर ठीक की है, मेडिसिन भी लिया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मेरे से ऊपर थोड़े सुषमा जी है, मेरी टांग में बहुत दर्द था, मैं 10 दिन PMC मिल गई, वहां से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे योगा द्वारा पॉइंट दबाकर, मालिश करके और योगा की क्रियाएं करवाकर मेरी टांग को ठीक किया। मैं उनका कभी भी सहायक नहीं हो सकती और भारतीय योग संस्थान को तो कभी भी नहीं बन सकती। मुझे भारतीय योग संस्थान से राजकिशन सैनी जी, हम बाला से वो एजुकेशन बोर्ड में डिप्टी सेक्रेटरी थे, उन्होंने जोड़ा। उससे पहले मैं पतंजलि से भी जुड़ी, श्री श्री रविशंकर जी के उसमें गई, लेकिन मुझे जो तसल्ली हुई, जो परफेक्शन मिली, वो आकर भारतीय योग संस्थान में गई। ऐसे करो ऐसे करो, इतनी इतनी देर ठहराओ, तो ठहराओ में बड़ा डर लगता था कि कैसे करें, लेकिन मैं शुक्र गुजारू मुझे ऑपरेशन तक से बचाया। मतलब मैं तो छींके आती थी, डेढ़ डेढ़ सौ 200 छींके मैं ऑफिस में जॉब करती थी तो मैं बैठ नहीं पाती थी, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हुई है वो प्रॉब्लम, और मुझे कोई गायनी की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था और एक डॉक्टर ने मुझे ये कहा अभी ऑपरेशन मत करवाओ, आप जब 50-60 साल के तक जाओगे तो आपको दोबारा जरूरत पड़ेगी। और आज मैं 60 साल की हूँ और मुझे उस ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी है और बहाल होती है और मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हो गया। और मैं शुक्र गुजार हूँ देश का, शर्मा गुप्ता जी का, इनके लाइव हमने दर्शन किए और ये ऐसे इंसान हैं जो दो दिन से हमारे लिए इतना बोले जा रहे हैं और हम इनकी सुनने की बजाय पीछे शोर करे जा रहे हैं, फिर भी इनकी पेशेंस देखो, बिना पैसों के और बिना
मोटिवेट करते हैं, उत्साह अर्पण करते हैं हमारा, इनका और इनकी पूरी टीम जिन्होंने यहाँ पे संभाला और इतना बड़ा ये किया प्रोग्राम, उसके लिए हम बहुत ज्यादा धन्यवादी हैं। यहाँ से ये तो बहुत कुछ पाया, लेकिन कुछ छोड़ते हैं तो कुछ पाते हैं। मैं भी अनबने मन से इस बार आई थी, लेकिन छोड़ना नहीं चाहती थी। मेरे को सारा साल हो गया, तीसरा शिविर है मेरा। घर में खुशी भी है, कोई हो गया। कल मेरे बेटे का बर्थडे भी था, उसने फिर ऑस्ट्रेलिया चले जाना पर, लेकिन वो मैंने छोड़ के यहाँ आई हूँ कुछ पाने के लिए। वाकई भी हर हाल में रहने का यहाँ पे हमें सीख मिलती है और हम इतना कुछ पाते हैं। देखो मैं चलो थोड़ी सी अपनी बात करती हूँ। मैं ना वो जो मूव होता है वहां से गिरी हुई, जब अभी क्लास शुरू नहीं हुई थी जब मैं, तो मैं एक एक मन का हिला हुआ और मेरे को डेढ़ महीना पूरा बेड पे रहती। फिर उसके बाद चलो थोड़ी मैं अपने लिए हुई, दो तीन फुलके भी बनाती थी, तो उसके बाद मेरा कोई भी आसन करा लो, चाहे आगे वाला पीछे वाला।